गाइस, धर्मराम जी और केसाराम जी हमारे साथ हैं। लंबी चौड़ी सोजत की बकरियां, 40 इंच से भी ऊपर की हाइट है इनकी। ऐसी बकरियां मैं हम आपको आज दिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, और ये इनकी फैमिली है। आप आइएगा और इनसे मिलिएगा ज़रूर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल एक्सप्लोर विद जीपी। और फिर से आ चुका हूँ मैं एक नए फार्म के ओर, नए बाड़े की ओर, जो कि हमारे कुशालपुरा से निबेड़े के रास्ते के अंदर हैं। और वहाँ पर जो है मैं आपको सोजत की बकरियों का शौक दिखाऊंगा। और इनको बकरियाँ बेचनी नहीं है, आप गाइस बकरियों को देखिएगा और क्वालिटी को समझेंगे, बात करेंगे फार्मर से। तो दिखाते हैं आपको वीडियो, और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और गाइस, आप जहाँ से भी हैं, मुझे इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे ये बताइए कमेंट के अंदर कि आपका नाम और आपकी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि मेरे जो दोस्त हैं वो कहाँ से हैं। और करते हैं वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको गाइस। ये हर्ट जो है वहाँ पर सारी क्वालिटी की बकरियाँ आपको मिल जाएगी। सोजत के अंदर आपको ये बकरियाँ मिलेगी। बकरियाँ आपको दिख रही है फ्रेम के अंदर, ऐसी बकरियाँ ढूंढ ढूंढ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक हर्ट पे जा रहा हूँ। तो ये जो शौक है कहीं ना कहीं आपका भी पूरा हो ही रहा है, और यही मैं जो है अपने एक एक वीडियोज़ के अंदर जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, ये मुंडी फीमेल है और 6-7 महीने की होगी। उसके से अभी फार्मर से जब बात करेंगे तब पता चलेगा, फार्म के जो ओनर हैं उनसे। बड़ी बड़ी कद की और लंबी बकरियां सोजत के अंदर आपको ये मिलती है। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ये भी पता चल रहा है, और मेरे वीडियो से उनको मदद मिल रही है कि वो सोजत के अंदर ऐसी बकरियाँ जिन जो काफ़ी दिनों से ढूंढ पाना मुश्किल था, वो मेरे वीडियोस के थ्रू जाके वो ले रहे हैं। गाइस, ये बकरियाँ इनको देनी नहीं है, अंकल से मेरी बात हुई है, बस मैं आपको बकरियाँ जो हैं वो शौक से दिखा रहा हूँ। तो आप इन बकरियों को देखिएगा, जिसमें आपको कलर्ड भी मिल जाएगी, छपके वाली जो बोलते हैं हम कि काले दाग जो लगे हुए होते हैं वो भी हैं, और नॉन कलर्ड भी ज़्यादा हैं बकरियाँ यहाँ पर, तो सारी हैं। तोतापुरी भी है इसके अंदर, मिक्स में है। ब्रीडर भी इनका अच्छा है, तो ब्रीडर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लंबे कान की ये बकरी देखिए गाइस, एक बार ये बकरी दिखाइए ना, कितने दांत की होगी साहब? ये वाली हाँ, ये तो पूरा दांत कर लिया है पूरा। एक बार इसको पकड़ के रख रखिए ना। तो साहब, ये बकरी कितने दांत की होगी? ये 4 दांत की होगी। 4 दांत की ये बकरी है गाइस। बकरी ये पूरी सोजत के अंदर है। कितने बच्चे देती है ये बकरी? ये बकरी 2 बच्चे देती है। 2 बच्चे देती है। और अभी ये क्रॉस है या गैबन है? ये क्रॉस है। क्रॉस है, कितने महीने की है? ये रहेगा 1.5 महीने की। 1.5 महीने की क्रॉस है गाइस। थोड़ा सा मैं दूरी से आपको बकरी दिखा देता हूँ, एक एक बकरी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और तो ये कितने, मतलब 4 दांत आप बता रहे हो, एक बार चेक करो ना दांत, आप खुद चेक करके देख लो कितने हैं। हाँ, 4 दांत गाइस, ये 4 दांत बकरी है। इसने इससे अच्छी ग्रोथ करी है बकरी ने। और अभी एक दूसरी बकरी और दिखा दीजिए, कच्छप बकरी है ये, फुल हाइट के अंदर है गाइस, आप वीडियो के अंदर समझ सकते हो ये बकरी को। ये कितने दांत है साहब? ये हाँ, ये 2-2.5 साल की है, पर दांत की मैंने मालूम नहीं पड़ा इसके। अच्छा अच्छा 2.5 साल की है ये बकरी, आप तो पालते हैं तो आपको पता है। कितने बच्चे दे देती है ये? 2 बच्चा देती है। 2 बच्चे देती है। अभी आप जो बच्चे दे रहे हैं वो मतलब एक एक पार्टी को दे रहे हैं या मतलब सारे एक साथ ही देते हैं? नहीं, ये दो बगत करने देता हूँ, जैसे ले जावे। अच्छा, के 10 बच्चा ले जाना है या 15 ले जाना है। चलो ठीक है, उन्हें हिसाब से देता हूँ। इससे ज़्यादा अच्छी बकरी गाइस आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। मेरे वीडियोस के अंदर मैं टॉप क्वालिटी की बकरियां जो दिखाने की हर बार कोशिश करता हूं आपको। गाइस, बहुत अच्छी बकरी है ये, गले की पट्टी भी है, फुल हाइटेड लेंथ की है। गाइस, ये बकरी देखिए, इसकी हाइट तकरीबन 40 या 40 से ऊपर की हाइट की ये बकरी है। और फ्रेम के अंदर मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अंकल के भी कंधे तक ये बकरी लग रही है गाइस। ये बहुत बड़ी बकरी, कितने साल की है? 2.5 साल की? हाँ, ये बराबर 2.5 साल की है। बराबर 2.5 साल की है। तो दो, एक बार भी आई है? 2 बार? ये 2 वक्त भी आई है। 2 वक्त भी आई है। तो बहुत मतलब ये ऐसी जो नस्ल है
ऐसी बढ़िया लंबे कद की बकरियां अगर आपको ढूंढनी है तो हमारे इस एरिया में आपको आना होगा। और काफ़ी सारे शौकीन हैं जो लंबी लंबी कद की बकरियां, हाइटेड बकरियां, लंबी गर्दन वाली बकरियां ढूंढते हैं। तो ये देखिए अंकल के पास बहुत अच्छी बकरियां हैं और ये मेरे जो केसाराम जी हैं उनके ब्रदर हैं और काफ़ी दिनों से केसाराम जी बोल रहे हैं उनकी बकरियों को कवर करो, तो मेरे को आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैं आया हूँ यहाँ पर। देखिए आपको और बकरियां दिखाते हैं, थोड़ा घूम के दिखाते हैं। एक बच्ची लीजिए ना, ये बच्ची कितने साल, कितने महीने की है, कितनी की है? हाँ ये ले लो, कोई भी ले लो ना आप, जो भी बढ़िया दिखाओ। गाइस एक सोजत की प्योर क्वालिटी की ये बकरी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कितने महीने की होगी? ये होगा 7 महीने की होगी। 7 महीने की ये बकरी है गाइस, अंकल ने बताया है। और ऐसी क्वालिटी जो टॉप क्वालिटी की सोचित की आपको बकरियां चाहिए, मुंडी के अंदर हैं, इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी कुछ पता है आपको? अगर ये अगर कोई लेना आए आपसे ऐसी बकरियां तो क्या रेट में आप देते हो? ये बकरियां यानी 15-15 हज़ार, तो ये 3-3, 4-4 महीना की हो ही नहीं। हाँ यदि ये 15-15 हज़ार दाम ने गया, मैं दिया नहीं, मैं रख दिया। अच्छा 4 महीने की थी तो 15-15 हज़ार का बोला तो भी आपने नहीं दी? हाँ नहीं दी। तो ये अभी आपको रखनी है गाइस, ये जो बकरियाँ हैं मुंडी के अंदर हैं और यहाँ पे भी शौक करते हैं मुंडी बकरियों का। आपने फार्म की पूरी बकरियाँ देख ली है, मैं आपको फिर से घूम के भी एक बार बकरियाँ दिखा दूँगा। तो ऐसी बकरी अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 15-20 हज़ार के बीच में मिलेगी। ये बकरी क्वालिटी की बकरी है गाइस, मैं कभी रेट के बारे में नहीं बोलता, नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेटें बता रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के अंदर जो बकरियाँ आपको दिखती है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये तोतापुरी की बकरी क्रॉसिंग से सोजत से आई हुई है, ये मतलब ये राउंड फेस के अंदर है, तो ये अभी तोतापुरी से निकली है। हाँ। और सोजत तोतापुरी क्रॉस से निकली। हाँ। है और हाइटेड भी है फुल, तो इससे अभी गुलाबी बच्चे हो रहे हैं आपके इस बकरी? हाँ, से गुलाबी रंग के बच्चे हो रहे हैं। अच्छा, और वो भी सारे तोतापुरी में? तोतापुरी। तो मुंडे बच्चे आए हैं इस बकरी से? मुंडे मतलब जो बिना सींग के? सींग वाला आएगा, सींग वाले आते हैं ना ज्यादातर, सिंग वाले आते हैं। हाँ, ज्यादा सिंग वाले आते हैं, मोड़े के तो मुड़ी आते हैं। अच्छा, सिंग वाले के सिंग वाले सिंग के देते हैं? नहीं, तो ज्यादातर जितनी मुंडी बकरियां हैं तो उनके मुंडे बच्चे ही आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बकरा के ऊपर है। अच्छा, बकरा के सिंग होते हैं। अच्छा। तो बच्चा के सिंग होते हैं। अच्छा, तो एक बार वो अपना जो ब्रीडर है आप इसको लेके आ सकते हैं, अभी यहाँ आ जाएगा वो जो मतलब अपना सान रखा हुआ है ना? हाँ, वो आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, यो आ जाएगा, ले लेके आओ ना। गाइस बकरियां देख लीजिए, मैं क्वालिटी को दिखाने की कोशिश करता रहता हूं, तो आप ऐसे फार्मरों से मिलिए, खुद आके इनका नंबर भी मैं प्रोवाइड करता हूं हर वीडियो के अंदर, आप लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन को देखते नहीं है। गाइस बकरा देखिए, बराबर बकरा है, बिल्कुल कम पड़ता है। ये 40-42 की हाइट का होगा, 40 भी नहीं, 40 से भी ऊपर की हाइट का ये बकरा है। तो इसके बच्चे कैसे होते हैं? जैसे अब तो लोग बोलते हैं प्योर गुलाबी में होता है, जबकि ये दिखने में इतना गुलाबी नहीं दिखता है गाइस। ये इतना गुलाबी नहीं दिखता, पर इसका बच्चा तो एक बार उबा ही नहीं रहता है, छोटा बच्चा की सही देख के ले जाता है। अच्छा। हाँ। छोटे बच्चा ही ये जो लेके? हाँ, चले जाते। हाँ, हैं लोग 2.5 महीना को बच्चों, इनको 15,000-14,000 में बिकता निकल जाता है ना। हाँ। तो बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये कहाँ से आपने परचेज किया था फिर, कहाँ से लाए थे आप ये? तो मैंने सोजत से लाया। सोजत से लाए थे गाइस? सोजत यूँ यहाँ से जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी ये कितने दांत हो चुका है? ये तो पूरा दांत है, पूरे दांत है। हाँ। और प्योर सोजत के अंदर बकरा मैं दिखा रहा हूँ गाइस, चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। ये बकरा फुल हाइट लेंथ का बकरा है और गुलाबी बच्चे डालने वाला बकरा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गुलाबी जो है वो हैदराबादी से निकला हुआ है, ऐसा नहीं है गाइस, इनकी इनके भी बच्चे जो हैं वो गुलाबी हो रहे हैं। तो इसमें प्योर आपको गुलाबी के अंदर ये बकरियाँ सोजत की मिल जाएगी यहाँ पर। अब फार्म के ओनर से हम थोड़ा बात कर लेते हैं और गाँव का नाम जान लेते हैं। सर क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्माराम है। धर्माराम जी, अपन अभी कहाँ पर खड़े हैं, कौन सा गांव है, कहाँ है, थोड़ा बताइए। मैं खुशालपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा। और खुशालपुर के 2 किलोमीटर दूर हमारा कुआं है, उस कुआं पे हमारा भाड़ा है, हमारा घर है, मुकाम सब वहीं है। समझ गए होंगे गाइज, ये बेरे की बात कर रहे हैं, बेरे पे है इनका वहीं भाड़े और मकान भी है इनके, और इनकी फैमिली यहीं पर रहती है। तो सारे बकरियाँ ज़्यादातर ये लोग बकरी पालते हैं, तो कितने सालों से अपने ये बकरी पालन का काम है? ये मैंने तो कम से कम 50 साल हो गया। मतलब आपने जब से काम किया है बकरियों में ही काम? बकरियों में किया काम। तो मेरे को ये बताओ ना कि
ज्यादा डिमांड बकरियों की कब से आनी शुरू हुई, कितने सालों हो गए होंगे? ये लोग आपके पास ज्यादा बाहर से भी लोग आ रहे हैं बकरियां लेने? ये तो कम से कम 15-20 साल हो गया बाहर के लोग आके फार्म के लिए बकरियां ले जाते हैं। 15-20 साल हो गया, पहला देसी बकरियां थी। अच्छा। और हमारे पास पहला देसी बकरियां थी, एक तो ये लाल बकरी। अच्छा। और मजिट्टी है, चीनी है। अच्छा। यो काली है, पहला वह थी। हाँ। और धीरे धीरे क्वालिटी यह बदलता गया। अब बकरा का 76,000-72,000 में ला ला के मैं दूध ओटे थी लाला ने छोड़ा। अच्छा। यदि ये क्वालिटी पड़ी तो आप मतलब खुद 70,000 में एक क्वालिटी का बकरा लाके आपने हाँ, छोड़ा है और हाँ, वो बकरियां आपने बनाई है। हाँ, तो अभी मतलब क्वालिटी को सुधारते कितने साल हो गए आपको? सुधारते ने माने 7-8-10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, तो ज्यादातर जो लोग आपके पास आ रहे हैं अभी हाँ, वो कहाँ से आ रहे हैं बकरियां लेने? यहीं से आसपास से आ रहे हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से आ रहे हैं। बाहर से जयपुर वाला चाचा जी ले जाइया है। अच्छा। और महाराष्ट्र में ये अपने तो महाराष्ट्र का ले गया बकरिया। अच्छा, ज्यादा महाराष्ट्र भी गई है, जयपुर भी गई है। ये बाहर हैदराबाद वगैरह? हैदराबाद का तो नहीं, हैदराबाद का नहीं आया। वे अपना तो पूरा बच्चा वही ले जा तो फिर हैदराबाद का मिले ही नहीं माने। अच्छा, तो परमानेंट है कि वो बाहर के लोग आके ले जाते? बाहर के, हाँ, बाहर के लोग आने ले जाते। तो मतलब जो लास्ट पट्टी आपने दी थी बच्चों की, हाँ, कितने बच्चे? लाइट अपने 15 लगाए, 12,000-10,000 तक के अपने बचा दिया। मतलब नॉर्मल क्वालिटी हाँ, और हाई क्वालिटी के हाँ, मिक्स बच्चे दिए। हाँ। गाइस थोड़ा सा सुनिएगा, और एक अमूमन बकरी जो होती है अपने क्वालिटी की बकरी कितने तक की आ जाती है? क्वालिटी की बकरी आ जाती है 40,000-30,000 तक की। 30,000-40,000 जो हाँ, प्रेग्नेंट हो, क्रॉस हाँ, हुई हो हाँ, बच्चे देने वाले? हाँ, बच्चे देने वाले। बिल्कुल। हाँ। तो काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि इतनी महंगी रेट बताते हो, तो थोड़ा बताइए ना कि अगर क्रॉस बकरी वो लेके जाता है तो कितने बच्चे देती है वो? भैया 2 बच्चा दे देती है, 3 बच्चा भी दे देती है। पैसा वसूल भी हो जाता है? पैसा वसूल हो जाता है। तो मतलब कि महंगा नहीं? अबे अपन है ना, अपन है 30,000 में बकरी लेगा। अच्छा, 2 बच्चा दिया माने, 2 बच्चा दिया तो वह तो 5,000 में बच्ची फटती है। अच्छा। कभी 12 में 12.5 में बच्चा बिक जाता है, 15-15 में बिक जाती है तो ये बकरी फ्री हो जाती है। इसीलिए हाँ, जो है वो रेट ज्यादा हाँ, लगती है आपको, लेकिन रेट ज्यादा है नहीं? है, ज्यादा रेट है ही नहीं। एक बार माल खिलाते हैं इसको, खिलाने में क्या क्या करते हैं? खिलाने में ये अपने चर्च वाला घटा खिलाते हैं आने। अच्छा। और रूटीन क्या रहता है आप? हाँ, सुबह उठते इनको बाहर लेके जाते हैं? हाँ नहीं, पहला अभी यानी बांटो खिलाएंगे। अच्छा। और पानी पिलाएंगे और थोड़ा बहुत छुको हुको यो खेजड़ा को पालो खिलाएंगे, फिर बाहर ले जाएंगे। फिर बाहर कितनी देर तक? बाहर तो शाम तक रहेगा। अच्छा। हाँ, 6:30 बजे वापिस ले आएंगे। और फिर वापस यहाँ पर कितनी वापस कुछ खिलाएंगे? यहाँ लाके फिर तो ये दापी जाएगा, एक बार इतना तो पेट है अनको। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये बाहर के आपने अभी खेत ले रखे? नहीं, अपने कम से कम 16-17 बीघा ये जूर लिया था खेत। लूम लिया हुआ है? हाँ, हाँ, हाँ। लूम के पेड़ जो है ये लोग लेते हैं और उनको फिर काट के इन बकरियों को खिलाया? बकरियों को खिलाए जाते हैं। 20 रुपया किलो है, 25 रुपया किलो है, 18 रुपया किलो तो यह अपने यह कहीं गंवार की कुट्टी है। अभी तो लूम बहुत महंगा है, अभी तो 25 रुपया 26 रुपया। 30 रुपए थी इतने दिन, अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी तो अभी 20 रुपया होया। अब थोड़ा नहीं, नहीं, अब 20 रुपया होया। मैं भी अभी लाया, 20 रुपया होया। 20 रुपए हरी पत्ती लेके आया? हाँ, लूंग। हाँ, लूंग। अच्छा अच्छा। गाइस देखिएगा, और ये बुजुर्ग हैं, इनसे सीखने को मिलता है। 50 साल से बकरियां चरा रहे हैं तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अगर बीमार वगैरह बकरी होती है अपने हाँ, तो उनके इलाज के लिए फिर डॉक्टर को बुलाते? डॉक्टर को बुलाते हैं, राम सिंह को बुलाते हैं, रायपुर वाला ये पुराना डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल पुराना डॉक्टर है, कम से कम 80-90 साल का रहेगा। हाँ, वे आके इलाज करता है। इलाज वो करते? हाँ, वे करते हैं इलाज। अच्छा, मैं किसी को नंबर डालता हूँ इसके अंदर, वीडियो के अंदर कोई आपको फोन करे कि मेरे को बकरियां बड़ी चाहिए, अगर हाँ, आपके पास देने के लिए तो बकरियां नहीं? हाँ, बकरियां देने के लिए यहाँ आता है तो हाँ, आप आसपास से दिलाएंगे बकरियां? हाँ, आसपास जो देता है उसको तो दराई देंगे। अच्छा, और वो नहीं देवेगा तो फिर मैं कैसे दरावा? सही बात, उनकी बच्चे आने बच्चे भी ऐसी होगी। अच्छा। हाँ, वो सभी लोगों का एक कहना है कि उनको लंबी और हाइटेड बकरियां चाहिए। हाँ, तो अपन बच्ची में कैसे पहचान करें कि ये बच्ची है जो लंबी जाएगी, हाइट रहेगी? मतलब थोड़ा तो उसकी माँ कह देगा, उसको ये बकरा कह देगा। अच्छा। हाँ, उसके मतलब हाँ, पीढ़ी को देख के हाँ, आप जो है बकरियां लो कि भाई उसकी हाँ, पेडिग्री क्या है। हाँ, गाइस समझिएगा
कि बड़ी बकरी और बड़े बकरे की बच्चे जो होंगे वो हेल्थ में ही जाएंगे और क्वालिटी में ही जाएंगे, जैसी उसकी पेडिग्री होगी। बहुत अच्छा लगा, एक बार नाम फिर से आपको बता दिया, धर्माराम। धर्माराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और हमारे केसाराम जी आ गए हैं तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। केसाराम जी के 1.5 लाख का बकरा लाया अभी। हाँ बिल्कुल, बताया मैंने और वीडियो भी मैं लगा दूंगा। केसाराम जी ने बहुत अच्छा बकरा लेके आए। हाँ बकरा लाया 1.5 लाख में। अब उसका बच्चा एक बार तो कम पैसा में बेचा तो फिर उनके ब्याज ही वसूल नहीं हुए। सही बात। हाँ बकरा को बच्चा को खिलावा के बकरियाँ को खिलावा के एक बार तो उनकी वसूली नहीं हुए तो फिर इतना महंगा बकरा ला के कहीं करे ना देवे। एक बार अपना ये छोटा मोटा गांवड़ा वाला तो बच्चा ले सके ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी वाले बकरे तो फिर बाहर ही जाएंगे। बाहर ही जाएंगे और शौकीन आदमी लेके जाएगा। हाँ शौकीन आदमी लेके जाएगा। बिल्कुल मैं जाएगा बकरा तो, पर वह शौकीन आदमी ले जाएगा, वह पैसा नहीं देख रहा है तो माल देखेगा। माल देखेगा। सही बात है। कैसा राम जी को आप जानते हैं गाइज, इनकी बकरियां मैंने दिखाई है, बहुत टॉप मोस्ट क्वालिटी की बकरियां हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। इनका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इनका वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा और कुछ बकरियों के बारे में बात करेंगे केसराम जी से। इतनी लंबी लंबी केसराम जी, अब बताइए मेरे को कि हाइटेड बकरियां जो हैं इन्होंने बताई है, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं गाइस। केसराम जी हैं तो इनसे भी बात करते हैं। केसराम जी इतनी लंबी हाइट की बकरियां, कितनी लंबी हाइट है देखना आपके पास इतनी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो बकरियां मैंने देखी इस हाइट की, ये 40-42 की इंच की हाइट की बकरियां हैं गाइज, फिर से देख लीजिए। और कैसा राम जी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है अभी हमारे साथ। मोड़ी है। हाँ मोड़ी सही है। अब कैसा राम जी थोड़ा सा बताओ कि ऐसी बकरी लोग लेना चाहते हैं, ठीक है? ऐसी बकरी तो 60,000, 70,000, 60,000, 50,000 रुपए रेट लगेगा। अब ये एक बकरी का बता रहे हैं गाइज, आप ये मत सोचना कि सारी बकरियाँ हैं, क्योंकि आप तो बोल देते हो कि यार ये इतनी महंगी बता रहे हैं। इस बकरी को थोड़ा साइड में लाइए, थोड़ा वापस से दिखाते हैं। अब देखिए आप इस बकरी को, सबकी रेट एक नहीं लगेगा, जैसा माल है वैसा रेट लगेगा, जैसा माल है वैसा रेट लगेगा गाइस। ये हाइटेड बकरी है आप समझिएगा, और रेट में थोड़ा बहुत पैसों में ऊपर नीचे ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रेट लेके बैठते हैं। लेकिन अभी इनको ये बकरियां देनी नहीं है, इनके हर्ड की बकरियां हैं, वो भी लंबी चौड़ी बकरियां हैं। ए ब्यावेगा ना बच्चा देना है तो इसके बच्चे, अब जैसे मतलब ये एक टॉप क्वालिटी की बकरी है, इसके बच्चे भी मुंडे आते हैं इसे? हाँ ऐसा ही मुंडा आएगा। अच्छा। यही क्वालिटी आएगा। तो मेरे को ये बताओ ना, मैं काफ़ी फार्मरों के पास गया हूँ तो बहुत कम जगह मतलब 3 से 4 बकरी होती है ऐसी क्वालिटी की। अरे भाई ये तो साठ के बच्चे राय जोड़ी अपने घर के लिए। अच्छा ये आपको देनी भी नहीं है ना? साठ के 50 बकरियाँ होए तो 5 बच्चा छोटा खूबसूरत रहे बहन के घर पे रखा। अच्छा बाकी तो मैं दूसरे के दे दांगा। बिल्कुल सही है। ये 60-60 के बकरियाँ राय जोड़ी। कैसे राम जी इनको तो इन्होंने तो अभी बच्चे सेल कर दिया जैसे हमने देखा, और नेक्स्ट टाइम जब आपके यहाँ पे इस बाड़े में भी बच्चे हो तो आप मेरे को बोलिएगा तो मैं आऊँगा यहाँ पर। नहीं बच्चा होगा यदि आपके वीडियो बढ़ाना का। बिल्कुल क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चों के वीडियोस लाओ, तो बच्चों के वीडियोस गाइस आएंगे। और बकरियों का वीडियो आप देख चुके हैं, केसराम जी से आप मिल चुके हैं। एक बार मैं बकरियां आपको पूरी वापस से दिखा दूंगा। थोड़ी बच्ची तो यही बनी।